सबसे पहले आप सभी को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए थे। मेरा लास्ट व्लॉग मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ अपनी बेटी की तबीयत के बारे में, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही बताया था और उसमें मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए। हालांकि मैंने अभी किसी कमेंट का मतलब रिप्लाई नहीं किया है, लेकिन मैंने सारे के सारे कमेंट पढ़े हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने लोग मेरे साथ हैं। सब ने मुझे बोला, सभी ने ज़्यादातर बोला कि परेशान मत हो, भगवान सब अच्छा करेंगे। तो मुझे भी भगवान पर पूरा विश्वास है और कहते हैं ना, आप जो चीज़ बांटते हो आपको वही चीज़ मिलती है। अगर आप प्यार बांटते हो तो आपको प्यार ही मिलता है, और अगर नफ़रत फैलाते हो तो आपको नफ़रत ही मिलती है। सो थैंक यू आप सभी को, आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे मतलब कमेंट किए और मुझे मेरे हौसला अफजाई करवाया। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू आप सभी को। सो अभी यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना। तो वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विथ सिंपल लाइफ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे अभी आपने इससे पहले देखा मैंने आपको फ्रूट्स वगैरह दिखाए थे, तो वो पतिदेव लेकर आए थे बनाना वगैरह, लीची वगैरह। बिल्कुल लीची फ्रेश थी, लेकिन जो छन्ने पर रखी थी वो लीची एक दो दिन की थी, लेकिन बाकी जो मैंने वॉश करके रखी थी वो बिल्कुल फ्रेश थी। और साथ में भिंडी लेके आए थे। तो ये नेक्स्ट डे का है और मॉर्निंग का जो अभी आप ये वाला देख रहे हो ना, सो ये नेक्स्ट मॉर्निंग मैं बना रही हूँ हेल्दी ब्रेकफास्ट। चना फ्राई कर रही हूँ और आप में से बहुत लोग जानते होंगे, और हमारे यूपी में तो बहुत मतलब ये ब्रेकफास्ट खाया जाता है और चने फ्राई, और इसको बहुत से लोग मसाला वसाला डालकर फ्राई करते हैं, बट मैंने मसाला डालकर फ्राई नहीं किया। जीरा, हींग, प्याज, टमाटर और सूखी धनिया, नमक, हल्दी, बस इसी से फ्राई, इसी से मैंने तड़का दिया था। और यहाँ पे ये प्लेट है मेरी, और मैंने एक हरी मिर्च ले रखी है क्योंकि मुझे स्पाइसी खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और बाकी इसमें मैंने, वैसे तो मैंने इसमें ज़्यादा मिर्च वगैरह नहीं मिलाई है क्योंकि मम्मी को पसंद नहीं उतना स्पाइसी। तो स्पाइसी तो देखो होता है कि अपने हाथ में होता है ना, हम चाहें तो इसको, हमको अगर स्पेशली पसंद है तो हम एक मिर्ची खा सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा स्पाइसी। अगर हमने किसी को पसंद नहीं है और हम स्पाइसी डाल दें तो ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि स्पाइसी फिर हम कम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए स्पाइसी कर लिया है, एक हरी मिर्च ले ली है, उसको डेकोरेट भी कर दिया और बाद में मैं इसको खा भी लूँगी। और साथ में मैंने इसके लिए रखी है चाय, क्योंकि ये चाय के साथ बहुत टेस्टी लगता है, ऐसे खाओ तो फीका, थोड़ा फीका लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, चने मैंने थोड़े ज़्यादा भिगोए थे रात में, क्योंकि मैं एक रेसिपी और आपके साथ शेयर करूँगी। इसकी तो रेसिपी ज़्यादा शेयर नहीं की, ये चाय साथ में उसकी सब्जी मैं आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो ये देखो यहाँ पे मैंने चने ज़्यादा फ्राई की, सॉरी फ्राई बोल रही हूँ, रात में ज़्यादा भिगो दिए थे क्योंकि मुझे सुबह तरोई और चने की सब्ज़ी बनानी थी। अच्छा, आप लोगों में कितने लोगों ने चना और तरोई एक साथ खाया है बताना कॉमेंट में, बहुत टेस्टी लगते हैं। ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करना एक बार मेरे कहने पर, चना तरोई बहुत टेस्टी लगता है। तो ये जो तरोई है ना, मेरी मम्मी ने काट के दिए मुझे। और अच्छा, मम्मी यहाँ पे क्या है ना, मेरी इस तरह से हेल्प कर देती हैं सब्ज़ी वगैरह कट करना, ज़्यादातर मम्मी काटती हैं। अब मैं इस टाइम एडिटिंग कर रही थी तो मम्मी ने बोला कि मैं, मम्मी ने देख लिया था मुझे, मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मम्मी ने ही सब्ज़ी कट कर दिया। मोस्टली मम्मी ही कट करके देती हैं। ये मिर्ची प्याज मम्मी ने काटा है, टमाटर मम्मी ने काटा है, ये लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया है, है ना। तो ये देखो इस तरह से तैयारी है। और चना तरोई गाइस इतना टेस्टी लगता है, इसकी रसेदार सब्ज़ी चावल के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं यही बनाने वाली हूँ सब्ज़ी। और हाँ, आपको मैं थोड़ी सी अपनी बेटी के बारे में भी बताऊँगी, क्योंकि मैंने नेक्स्ट बोल रही हूँ लास्ट ब्लॉग में आपसे कहा था ना सॉरी कि आपको बताऊँगी मैं कि नंदिता को एडमिट कराया या नहीं कराया। तो या तो मैं आपको रेसिपी बता दूं या तो मैं आपको अपनी बेटी के बारे में बता दूं। तो मैं सोच रही हूं कि रेसिपी तो आप सभी जानते हो, ये मैं एग्जॉस्ट फैन ऑन कर रही थी, मैं सोच रही हूं रेसिपी तो आप सभी को पता ही है कैसे बनती है चने और तरोई की सब्ज़ी, ज़्यादातर सबको पता ही है। नॉर्मली जैसे सभी तड़का लगाते हैं सब्ज़ियों में,
वैसे तड़का है। हाँ, इसमें मैंने क्या है ना, जीरे का तड़का नहीं दे रही हूँ इसमें ना, ये सरसों दाने के तड़के बहुत टेस्टी लगते हैं। सो बस यहाँ पर अभी क्या है, नंदिता के बारे में बात कर लेते हैं। क्या हुआ कि जब हम डॉक्टर के पास लेकर गए अपनी बेटी को, तो उन्होंने बता दिया था, मतलब देखा तो उन्होंने बताया कि मतलब नंदिता को हो रखा था मतलब डायरिया, ठीक है। तो डायरिया हो रखा था, उन्होंने बोला कि तुरंत एडमिट करो और उसके बाद ही बाकी सारी बातें करेंगे। सॉरी, तो फिर अभी क्या है कि थोड़ा गले में भी थोड़ी दिक्कत से लग रही मुझे, तो फिर हमने नंदिता को एडमिट नहीं कराया। क्योंकि क्या है ना कि क्या होता है, अगर हम एडमिट करा देते ना, तो देखो हॉस्पिटल में जाने का मतलब यही होता है कि समझ सकते हो आप लोग, मैं क्या बताऊँ अभी, है ना, हॉस्पिटल जाने का मतलब क्या है। तो फिर जब बच्चा हमारा एडमिट हो जाता है, देखो बड़े लोग तो सारी चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं, उनको पता है कि ये सब चीज़ें हमारे भले के लिए, हमारा इलाज होगा तो निडल भी जाएगी, ठीक है, दवाइयाँ भी खानी पड़ेगी, सारी चीज़ें हैं। लेकिन वही क्या है कि अगर बच्चा अगर एडमिट होता है तो उसको तो कुछ नहीं पता है, वो अभी कितने साल की है, 3.5 साल की है, उसको कुछ नहीं पता है। तो इस वजह से फिर अगर वो जाएगी, एडमिट होगी, तो उसको क्या है ना, एक माँ की नज़रिए से मैं आपको बता रही हूँ, वैसे तो हॉस्पिटल एडमिट हो जाती तो जल्दी रिकवर हो जाती, ठीक है। तो उसको कैनूला वगैरह लगता, उसमें से सारी दवाइयाँ जाती हैं उनको, मतलब नंदिता को वो ग्लूकोज वगैरह सब दवाइयाँ वगैरह सब कैनूला के ही थ्रो जाती, ठीक है। तो वो कैनूला उसको बहुत ज़्यादा पेनफुल होता उसके लिए। तो फिर मम्मी से इन्होंने बात की, तो मम्मी ने बोला कि जो तुम मतलब हम लोगों को सही लगता है एज ए पेरेंट्स, मतलब हमको जो सही लगता है वो हम करें, ठीक है। मम्मी का कहने का तो मतलब यही था इनडायरेक्टली कि एडमिट हम करा दें, ठीक है। और दीदी ने भी यही कहा कि एडमिट करा दें। तो लेकिन मैंने पतिदेव से बोला कि नहीं, हम अच्छे से अच्छे, देखो मेडिसिन तो सभी अच्छी होती हैं, लेकिन फिर भी हम और अच्छी मेडिसिन लेते हैं और एडमिट नहीं कराएंगे, क्योंकि फिर नंदिता के बहुत ज़्यादा छींचा ले रही होती ना, समझ सकते हो आप लोग, वो सारी मतलब सोच के मैंने बोला। तो पतिदेव ने बोला ठीक है। तो फिर हमने नंदिता को एडमिट नहीं कराया। बाकी जो डायरिया के सिम्टम्स पूरे थे, क्योंकि वॉमिट और लूज मोशन साथ में हो रहा था, तो थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था पेट में इसकी वजह से। लेकिन उन्होंने एक इंजेक्शन तो तुरंत दे दी थी नंदिता को, उसमें ही नंदिता बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा, जो कि मुझसे नहीं देखा जा रहा था। हालांकि उसके अच्छे के लिए था, लेकिन फिर भी तकलीफ़ तो उसने उठाई ना। तो इस वजह से मैंने कहा एक इंजेक्शन में इतना रोई है, और अभी एडमिट हो जाएगी 3 दिन तक का, और पता भी नहीं है कितना दिन एडमिट होना है, तो पेन ही होता रहेगा उसको। तो इस वजह से फिर हमने एडमिट नहीं कराया, अच्छी सी मेडिसिन लेकर आए, और टच वुड अभी मतलब नंदिता रिकवर कर चुकी है, काफ़ी रिकवर हो गया है अभी, मतलब वॉमिट कम हो गया है, क्योंकि वॉमिट के लिए तो इंजेक्शन पहले लग चुका था। मोशंस भी अभी ठीक हैं, काफ़ी कंट्रोल है, मैं कह सकती हूँ बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो कंट्रोल है। तो बाकी जो है वो भी मेडिसिन से कवर हो जाएगा, और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी मेरी बेटी, बहुत अच्छा हो जाएगा सब कुछ पहले के जैसे। तो ये है नंदिता की अपडेट जो मैंने आप लोग को दी। तो मतलब ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ अभी ठीक है नंदिता, ओके। तो ये सारी चीज़ें मेडिसिन की वजह से हुआ है, मेडिसिन को हम कंटिन्यू दे रहे हैं और वो ले रही है, तो सब चीज़ें ठीक हैं, अच्छी हैं। और हाँ, ये बात भी है कि अगर हम उसको एडमिट करा देते तो मे बी शायद वो 1.5 दिन में ही ठीक हो जाती। अभी जैसे इसने 3-4 दिन लिए हैं मेडिसिन के साथ में, 3-4 दिन लग गए। अगर एडमिट हो जाती तो उसको मतलब जल्दी से रिकवर हो जाती, कोई नहीं मेडिसिन से ही रिकवर 3-4 दिन लगे, लेकिन ठीक है अभी अच्छा है। तो यहाँ पे हमारी रेसिपी जो सब्ज़ी की थी वो भी आप लोगों ने देख ली होगी, तो रेडी हो चुकी है। और इसमें मैं थोड़ा सा मतलब क्या है ना, वो डालूँगी, पानी डालूँगी, क्योंकि हमें राइस के साथ लेना है तो सूखी हो जाएगी, इस वजह से मैंने थोड़ा पानी ऐड करूँगी। और उसके बाद मैं बनाऊँगी रायता, और सब्ज़ी चावल और रायता हम एंजॉय करेंगे। और अभी मैं इसका मतलब लीड लगा दूँगी, और 3 विज़ल आएंगे और हमारी सब्ज़ी हो जाएगी।
उसके बाद फिर हम करेंगे अपना लंच, और आगे इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं शूट किया, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को नंदिता की अपडेट दे दूं। और आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक छापना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक छापना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आप तो सपोर्ट कर ही रहे हो, साथ में आपके फ्रेंड्स भी मुझे सपोर्ट करें, उनका सपोर्ट भी मिले। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, जो भी चैनल में फर्स्ट टाइम आया है, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, प्लीज़ चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बेल आइकन ही तो नोटिफिकेशन की बेल होती है। जब मैं नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो पोस्ट करूँगी, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी। और मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगी, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, पानी का ज़्यादा ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम करें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।